नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल सामान बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे के समय कंपनी में, बता दें, 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। केमिकल से भरे ड्रम में धमाके के बाद आग पूरी फैक्ट्री में तेजी से फैल गई। बाहर निकलते निकलते 14 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। दमकल विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद कई एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। वहीं सभी घायलों का गाजियाबाद और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। बता दें, कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद SSP काला निधि नेथानी और गाजियाबाद DM अजय शंकर पांडे भी मौके पर पहुंचे। साथ ही आग पर काबू पाने में करीब 4 घंटे लग गए। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद से सामने आ रही है, जहां पर मेडिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग में हालांकि 14 लोग भी आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। और फैक्ट्री में उस समय, जिस समय आग लगी, 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मेडिकल सामान बनाने की ये फैक्ट्री थी और हादसे के समय कंपनी में 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बता दें, केमिकल से भरे ड्रम में धमाके के बाद आग पूरी फैक्ट्री में तेजी से फैल गई और करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।